अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ टीवी जे प्रोग्राम शख्सियत संगत मां आयां हांजी मेज़बान सबा अली। उम्मीद आहे त ठीक हूंदो ऐं पंहिंजे घरनि में खु़शि हूंदो, मज़े जी ज़िंदगी गुज़ारींदा हूंदो। जीअं असांजे शख्सियत प्रोग्राम में ज़बरदस्त क़िस्म जी शख़्सियत हूंदी आहे, उन्हनि जी स्ट्रगल्स ऐं उन्हनि जी लाइफ जे बारे में, उन्हनि जी जेका प्रोफेशनल लाइफ हूंदी आहे उनजे बारे में ॻाल्हाईंदा आहियूं। सो अॼु बि मूंसां गॾु हिकिड़ी अहिड़ी पर्सनैलिटी आहे, हिकिड़ी अहिड़ी ख़ूबसूरत शख़्सियत आहे, जंहिंजे बारे में अगरि मां स्टार्ट कंदमि त मां त बसि पोइ उन ते ॻाल्हाईंदी रहंदमि। उन्हनि जी तारीफ़ मां छा कयां, बिल्कुलु तारीफ़ जे लाइक़ु आहिनि। ऐं जेका उन्हनि जी लाइफ जो हिकिड़ो मेन पहलू हुयो, जेकी उन्हनि जी मेन शइ आहे, छो जो असांजी हिकिड़ी पर्सनैलिटी आहे, असांजे हिकिड़ी ख़ूबसूरत पर्सनैलिटी जेका हाणे असां सां गॾु न आहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्हनि सां हिकिड़ी लाइफ जो वॾो हिसो उन्हनि सां गुज़ारियो अथनि। त जॾहिं एॾी वॾी पर्सनैलिटी सां उन्हनि ज़िंदगी गुज़ारी आहे पंहिंजी, ऐं वरी जॾहिं उन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं उन्हनि जी पंहिंजी स्ट्रगल जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं त पूरे शो में ॾाढो मज़ो अचण वारो आहे। सो मां हाणे हिननि जो तारीफ़ कराईंदी थी हलां ऐं मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि। मैम सुम्बलीना हसन, अस्सलामु अलैकुम मैम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। मैम, जो आपका पूरा बचपन गुजरा और आपने फिर कहाँ से तालीम हासिल की, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? अच्छा, मैं इसको काफ़ी ब्रीफ और सिंपल जैसे आप कह रहे हैं इसको करूँगी जी। मेरी पैदाइश लाहौर में हुई थी और मैं बहुत छोटी थी उस वक़्त। मेरे माँ बाप बहुत अच्छे, खुशनसीब, अच्छे मिडिल क्लास, अपर क्लास में हम परवरिश हुई है जी। और मगर उन्होंने डिसाइड किया था कि लंदन जाना चाहते हैं। तो जब मैं इधर थी उस वक़्त 65 या 67 की लड़ाई हो रही थी और उसी टाइम पे ये फ्लड्स भी आए थे लाहौर में और मैंने वो फायरिंग भी देखी थी बिल्डिंग्स में। तो वो मुझे बहुत असर हुआ उस बात का, और गुर्बत भी बहुत थी, वो भी मुझे याद रहा है। जब मैं लंदन गई हूँ तो फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एजुकेशन मिली। मैंने ए लेवल्स, ओ लेवल्स सारे जो हैं वो पूरे किए। उसके बाद फिर बहुत इंटरेस्ट लिया, मेरे फैमिली जो है पॉलिटिक्स में आए थे और हमने कभी नहीं भूला पाकिस्तान को, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स और खुशियाँ सब कुछ हम उसमें बहुत दखल अंदाजी रखते थे। अच्छा, तो आप बचपन में ही जो है लाहौर से फिर मूव होके लंदन चले गए? जी जी। तो उसके बाद फिर जब ये पॉलिटिक्स में हमने देखा है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जब उनको फांसी दी गई, मैं उस वक़्त सिक्स फॉर्म में थी और काफ़ी मुझे जिल्ट हुआ, काफ़ी शॉक मिला कि ये कैसे हो सकता है कि एक जमहूरियत मुल्क हो और ब्रिटेन में तो जमहूरियत ही है। तो मुझे पज़ल मैं हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मेरी फैमिली ने, हमने सब ने बैठ के, फिर ये फैमिन भी हुई थी, फिर आपको पता है इस पाकिस्तान भी बन गया था, तो काफ़ी हमको फिक्रमंद हो गए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम ऑर्गेनाइजेशन करें पाकिस्तान लंदन में, एंटरटेनमेंट शोज़ भी, सारे जो सेलिब्रिटीज़ जो थे वो आते थे लंदन में, उनको हम ये फंड्स गैदर करके, जमा करके और चैरिटी पे बेचते थे फैमिन के लिए, फ्लड्स के लिए, लड़ाई के लिए। तो उसके बाद फिर जब भुट्टो को फांसी दी गई और फिर उनकी बेगम को भी हाउस अरेस्ट किया, फिर बीबी को किया, फिर हमको नहीं पता चल रहा था कि क्या होगा उनका, उनकी किस्मत का क्या होगा। भुट्टो को ले लिया, उनकी फैमिली को ना कुछ करें। फिर उस वक़्त हमको जद्दोजहद हुई कि हमने किसी तरह से इनको बचाना है। तो आपने भी इस चीज़ में स्ट्रगल की लंदन में बैठ के? जी जी। और बीबी भी उस टाइम, मोहतरमा भी लंदन में थी? नहीं, वो उस वक्त हाउस अरेस्ट में थी कराची में। तो हम जो थे, हमने बस ये तय किया कि हमने किसी तरह से इनको फ्री करना है। तो फिर हमने यूटिलाइज़ किया, मोबिलाइज़ किया सबको, पीपल्स पार्टी वर्कर्स को, उनको मजबूत किया, उनको कोशिश किया कि ये मनूवर करें और बहुत मेहनत करें कि इनको फ्री किया जाए। हमारे घर से ड्राइंग रूम में सारे आते थे, ये एग्ज़ाम में जो गए थे, खरसा,
सारे जो MP MNAs थे वो जी. हमारे घर में, हमने पॉलिटिक्स हमारे घर से फिर हमने कोशिश की है कि किस तरह से हम इनको बचाएं. फिर YMCA में भी जो एग्जाल थे उनका हमने बहुत ख्याल किया, उनको हमने जितना भी किसी तरह से उनको फाइनेंशली सपोर्ट किया और यू नो कोई भी उनकी ज़रूरत थे उसको पूरा किया. तो भुट्टो साहब के लिए आपकी फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने स्ट्रगल शुरू की जी, और फिर उसको आपने कंटिन्यू की. मैं उनके साथ ही थी, उनके अच्छा, साथ तो ही सब कुछ यंग होंगी जी. मैं बहुत यंग थी उस वक्त, आई वॉज अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल की थी. फिर जब बीबी को फ्री किया गया तो हम बहुत खुश हुए थे कि हमारा वो मकसद पूरा हो गया जो हम चाहते थे. तो बीबी को मैं मिली थी एयरपोर्ट पे और बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हम हो गए थे कि ये मिरेकल है कि हमको अल्लाह ताला ने उनको बचा के रख दिया, उनकी मदर को भी. और फिर जब बीबी को हमने इनवाइट किया और उन्होंने हमको कहा कि मुझे बस आप मेरे साथ ही रहें, मेरे फादर को. और हम बस जिधर भी कॉन्फ्रेंसेस होते थे, सेमिनार्स होते थे, मीटिंग्स होते थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उनके साथ साथ मेरे फादर जिधर भी जाना था, नॉटिंघम, बर्मिंघम, ब्रैडफर्ड, मैनचेस्टर, ग्लासगो, जिधर भी हम उनको उधर लेके जाते थे. अच्छा, तो उसके बाद आप भी, आपने भी बीबी, मोहतरमा बीबी के साथ काफ़ी अर्सा गुजारा उनके साथ साथ. फिर जब हम मिले थे ब्रैडफर्ड में, बीबी आई थी मेरे पास, हम खाना खा रहे थे और मुझे कह रही थी कि आप मेरे से मिलें. और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ काम करें, मेरी सेक्रेटरी बनेंगे. मैंने कहा आप मेरी जान हाजिर है, जो भी आप चाहेंगे हम तैयार हैं. फिर उस वक्त मैं बीबी के साथ काम करती रही हूँ. तो क्या एक्सपीरियंस था बीबी के साथ रह के, आपको फील होता था? आपको पता है, एक मैं कैसे आपको समझाऊं, कैसे आपको किस लफ्जों से मैं आपको समझ सकती हूं, वो वर्ड्स ही नहीं है हमारे पास, आपके पास. जी बिल्कुल. बात ये है कि अब इतनी आर्टिकुलेट, इतनी हाईली एजुकेटेड लीडरशिप है उनमें और इंसान तो नर्वस हो जाता है, यू नो. मगर मैं अपने नर्व्स को दबा के रखती हूँ क्योंकि मैंने जो सोचना था कि ये है कि उनको मेरी ज़रूरत है और मैं जिस तरीके से कैसे भी हो सके मैं उनका काम करूँ. बस काम ही काम का फोकस था कि हमने काम करना है, हमने जमहूरियत लेके आनी है, हमारे अवाम सफ़र कर रहे हैं ज़िया के अंडर, तो इस रजीम को हमने बदलना है. तो ये बस इसलिए जब भी मैं बैठती थी मैं सुनती थी कि ये क्या चाहते हैं, क्या कौन आना चाहता है, किससे बात करना चाहते हैं, किधर जाना है, क्या करना है. और बीबी बस 24/7 आपको पता है काफ़ी क्या कहते हैं पॉपुलर हैं कि ये यू नो पॉलिटिक्स को ब्रीथ करती थी 24/7. बस उनको कुछ और आता ही नहीं था, बस यही काम करती रहती थी. और यू नो ऐसा शख्स जो है उनमें बहुत नरम दिल भी था और बहुत प्यार करती थी. सिर्फ हमको भी नहीं इतना प्यार करती थी, अवाम को जितना वो प्यार करती थी उसकी वो और मिठास थी, यू नो. और जिस वजह से वो इतना काम करती और एहसासमंद बहुत थी. उनको पता था कि मेरी आवाम ने कितनी कुर्बानी दी हुई है, लोगों ने कितनी कुर्बानी, ख़ासतौर उन्होंने जो लोग अपने आप को आग जलाया था, उन्होंने मुझे ज़िक्र किया था कि देखो सुम्बली ने उन्होंने ये किया. तो इससे यू नो पता चलता है कि इनका दिल क्या था. और नॉर्मल भी थी, मगर यू नो एक इंसान नहीं कह सकता कि वो फरिश्ता है या सेंट है, मगर उसकी ट्रेट्स ऐसी थी कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का हज़ार शुक्र है कि हमको ऐसा लीडर हमको मिला पाकिस्तान का, कि औरतों के लिए उसने कितना रूज पे लेके गई है हमारे मुल्क को, कितना गरीबों को. जी जी. तो देखें, बीबी मोहतरमा तो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जैसे हैं, लेकिन उनके जब आप साथ थी और अब वो नहीं हैं, और अब उसमें कितना फ़र्क है. मैं कभी भी नहीं सोचती कि बीबी हमसे चली गई हैं. बिल्कुल नहीं, क्योंकि यू नो जब आप
टाइम गुजारे ना किसी के साथ, और ऐसी हसीयत जो है वो कैसे इंसान भूल सकता है या फील करे कि वो नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी उसकी। जो अभी भी देखो कोई भी बेनज़ीर का नाम ले ऐसे लगता है कि वो इधर ही है। तो यू नो वो फीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हाई स्पिरिट हो जाता है आदमी, और मैं कभी भी नहीं महसूस करती हूँ। मगर मेरे में ये है कि बहुत मुश्किल से ये रजिस्टर होता है कि वो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल इतना दुख मिल रहा है कि यू नो ऐसी जो औरत है जो जिसके पास हर चीज़ है, उसकी कोई कमी नहीं है अपनी ज़िंदगी में, मगर उसने जो अपनी जान दी है, अपनी एनर्जी दी है, अपना वक्त दिया, सब कुछ दिया, और अपनी खूबसूरती भी दी है, अपनी यूथ भी दी है टाइम पे। यू नो उस वक्त वो 32 थी, शादीशुदा भी नहीं थी, उस वक्त देर से शादी की है, तो कितना उन्होंने टाइम दिया। तो ऐसी जो औरत है वो कभी इंसान नहीं सोच सकता कि वो नहीं है। उसका जो स्पिरिट है, उसकी जो फीलिंग है, वो सारे आमने सामने पीछे सब जगह पे है। नाज़रीन हिकिड़े नंढे ब्रेक ते था वञूं शख्सियत प्रोग्राम में। असां सां मैम सुम्बलीना गॾु आहिनि, काॾे न वञिजो, असां सां गॾु अचो। वेलकम बैक नाज़रीन शख्सियत प्रोग्राम में। मां सभिनि खे वरी भलीकार चऊं था। मैम सुम्बलीना असां सां गॾु आहिनि, उन्हनि सां हाणे मज़ीद गुफ़्तगू जो इहो जेको आहे सिलसिलो जारी रहंदो। मैम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद जो आपने स्ट्रगल किया, क्योंकि उनके होने से और फिर उनके जाने के बाद आपने कुछ स्ट्रगल किया होगा, जैसे कुछ फेस करना पड़ा होगा, जैसे काफ़ी वो नाहिद साहिबा भी थी उनके साथ, और वो भी अब इमोशनली ऑब्वियसली हर कोई जो उनसे जुड़ा हुआ था और अब नहीं है वो, तो उनकी क्या फीलिंग है सबकी आपकी? आप कह रहे हैं कि बीबी के जी उनके जाने के बाद, उनके एब्सेंस के बाद क्या फ़र्क पड़ा है पॉलिटिकली? देखें, जब आप एक इतनी जो औरत जो फेयरलेस है, जो उसने हमको वो चंद चीज़ें सिखा के छोड़ के गई है कि आप कभी एफसी से कभी मत डरें, काम आप जद्दोजहद करें, जिस चीज़ का आपका फोकस है, जो आप चाहते हैं कि बेहतरीन आप चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, और उसके लिए अगर आपको अपनी जान भी देने पड़ी तो आप दें ज़रूर, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सोशलिस्ट आपकी सिस्टम रहे, कि इकोनॉमिकली वायबल रहे, कि आप जो हैं स्पिरिचुअली रिलीजियसली और एथिकली अपने मॉरल्स इंटैक्ट रखें जी, आप जिस चीज़ के लिए आप अपने पाकिस्तान के लिए, इस्लामिक रिपब्लिक के लिए आप खड़े हुए हैं, उसको मजबूत रखें और उसको कभी भी ना क्रम्पल करने दें। उसने ये हमको सिखाया कि आप देखें, भुट्टो साहब भी कहते थे कि मेरे में मैं भुट्टो चला गई हूँ, मगर हर शख्स जो है भुट्टो भुट्टो है जी, हर घर में भुट्टो है, वो आज तक है। तो ये जो उन्होंने हमको सबक दिया है कि आप चलते रहें, करते रहें, कभी ना भूलें, उनकी जो लेगेसी है वो तो हम नहीं बन सकते हैं कभी भी जी, मगर जो उन्होंने हमको काम दिखा के दे दिया है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल ऑफ लॉ है, ये जो अमेंडमेंट्स हैं सारी जो हैं, इस पे हमने इसको काबू रखना है और इसको फ्लरिश करना है, और इसी तरीके से फिर हमारा मुल्क एडवांस होगा। अच्छा, उनकी औलाद इस चीज़ को लेके चलने में पॉलिटिकली या पर्सनली कितना परसेंट कामयाब है? मैं तो आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी इम्प्रेस हूँ।
क्योंकि उनकी औलाद जो है उनकी मदर नहीं है, मदर ऐसी मदर हो तो माँ ना हो। वो तो बेगम साहिबा भी जो थी, भुट्टो बेगम साहिबा, वो भी मुल्क की माँ थी जी। बीबी भी इनकी माँ है, हमारी भी मदर की तरह उनकी वो ट्रेट्स थी। तो उनके लिए देखें आप कितना मुश्किल है, कैसे आप एक बेटा भी, अब बच्ची भी आपकी, न्यू बोर्न भी अगर चला जाए, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम ऐसे हो, आप किसी को 10 साल या 5 साल, 1 साल, 1 दिन के लिए जानते हैं, अगर आपका हमसाया भी हो उसको आप देखते हैं, मुस्कराते हैं, वो भी आप याद रखते हैं, उसमें आपके माइंड में रजिस्टर हो जाता है। मगर ये जो है इनकी इनकी एक मदर चली गई हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है। और फिर इसके बावजूद वो भी वही सोच रहे हैं कि हमने बस उनकी रोशनी खुले कायम रखना है, कायम रखना जी, और लोगों के काम आना है। और वो आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि यू नो बीबी ने वही सिखाया सबको कि यू नो यू हैव टू हैव द मोटिवेशन, यू हैव टू हैव द करेज, यू हैव टू हैव द स्टेमिना, यू हैव टू कीप गोइंग एंड यू हैव टू फाइट फॉर व्हाट इज योर राइट। तो बिलावल भुट्टो बहुत अच्छी तरह से वो काम कर रहा है, उसकी बहनें जो भी हैं वो भी बहुत, उन्होंने देखो अपना ये, कोई भी अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में लेके आ सकता है, जितना भी देखें बीबी ने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में रखा है, बिल्कुल ये भी ख़तरे में है। जितना भी आपके पास पैसा हो, जो भी कुछ है, मगर कुछ भी हो सकता है किसी टाइम पे। तो I admire their very hard work, their effort, and they are continuing their mother's legacy and their grandfather's legacy and Begum Bhutto ki legacy aur Shahnawaz aur Murtaza ki legacy. Puri family khandan jo hai unhone apna khoon diya hua hai. Hamari party jo hai, koi aisi party hai duniya mein jo matam ho ghar mein aur hamesha matam rahe, ye koi aasan nahi hai. To is cheez ke liye main bahut खुश हूँ कि बहुत काबिल है, और यू नो अल्लाह ताला उनको और भी कामयाब रखे। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और हिम्मत दे और अच्छी सेहत के साथ वो अच्छा काम करते रहें, जैसे वो इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहें। जी जी। अच्छा मैम, आपने ऑक्सफोर्ड से जो है बकाया तालीम ली, ग्रेजुएशन जी, और लेकिन उसमें आपने क्या क्या कोर्सेस किए और क्या डिग्रीज आपने ऑक्सफोर्ड से ली? नहीं, मैंने अब्राहमिक रिलीजियस रिलीजन्स मास्टर्स की है। अब्राहमिक रिलीजन्स जो है ये है यू नो इस्लाम, जूडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी, उसमें मैंने मास्टर्स डिग्री की है हीथ्रोप कॉलेज में, ये लंदन में। फिर मैंने इस्लामिक स्टडीज़ भी की थी उसके पहले, उसके बाद फिर मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड स्टडी की है। फिर मैंने कंप्यूटर टेक्नीशियन की है, मैंने लॉ भी स्टडी की है। और एक खुशी की बात है कि बीबी के साथ भी उन्होंने कंप्यूटर का कोर्स भी किया मेरे साथ। तो अच्छा। वो मैंने नहीं मेंशन किया, मगर उनके साथ साथ किया आपने। उन्होंने उन्होंने बस आप कुछ कह सकते हैं, बस उन्होंने बुला दिया एक टीचर को, बस आपने कुछ ये करना है कोर्स, तो बस हम कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज आपने कंप्यूटर साइंस का कोर्स उनके साथ किया? नहीं नहीं, ये अलग था, ये बेसिक था। अच्छा। शुरू में जब उस टाइम पे अभी शुरू हो रहे थे सारे ये कंप्यूटर्स, ये नहीं था ये जो सारा अभी हमारे पास इंटरनेट और ये सब कुछ था, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे। और उससे पहले भी बीबी के पास वो मैनुअल टाइपराइटर भी था जिस पे वो काम करती थी, और वो जो टाइपराइटर है वो उसको ऐसे ऐसे इतना ज़बरदस्त और इतना तेज़गी से वो करती थी। सही। और वो मेरा ख्याल है वो भुट्टो साहब का टाइपराइटर था उनके पास। अच्छा, तो इतना सब कुछ माशाल्लाह आपने भी पढ़ लिया, तो उसमें कितने साल लगे और आपने क्या सोचा हुआ था, मुझे मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे एम्बिशंस क्या हैं? असल में बीबी के साथ जब मैंने काम किया था पाकिस्तान में, और उस टाइम पे जब आसिफ अली जरदारी को उन्होंने हमला किया था, और उससे पहले मैंने बीबी से बात की थी कि मैं जा रही हूँ वापस लंदन, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मैंने अपनी फैमिली को नहीं देखा
एक साल ऊपर हो गया था, तो बीबी कह रही थी कि आप रहेंगी ना, तो मैंने कहा देखो मैं आपको पता मैं हमेशा हाजिर हूँ, तो इसलिए फिर मैं चली गई थी। उसके बाद मुझे पता चला कि हमला हुआ था 70 ये जो जा रहे थे ना कोई कैंपेन और आसिफ जरदारी के साथ ही ऐसे हुआ, तो बहुत फिक्रमंद मैं हो गई थी। तो ये जो है फिर लंदन पहुंच गए, मेरी फिर शादी होगी, फिर मेरी 4 बेटियाँ हुई हैं, फिर मैंने सोचा कि मैं क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जितना भी आप कोशिश कर सकें अपना इन्वेस्ट टाइम करें अपने बच्चों के ऊपर। बिल्कुल, ये नहीं है कि सिर्फ कि बस ठीक है उनको छोड़ दें वो जाके स्टडी करें। मेंटल जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए बच्चों में वो बहुत लाजमी है, ख़ास तौर माँ का प्रेजेंस होने को। बिल्कुल, और बीवी देखें मैं वो क्या कहते हैं जगल कर सकती हैं, मगर मैं इतना मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूँ जी। उनको अब वो पूरे उनको डिग्रीज उनको मिल गए हुए हैं, एक की शादी हो गई है। उस दौरान में फिर भी मैं इन टच रही हूँ पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में अपने सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ। और फिर मैं मैंने जब बच्चे यंग थे उस वक्त मैंने ये डिग्रीज हासिल की हैं सारी डिग्रीज। जब बच्चे बेबीज थे उस वक्त मैंने लॉ की तरह डिग्री की है जी। फिर ये थोड़े से बड़े हो गए फिर मैंने मास्टर्स की है, फिर ये अब जब शादी हो गई है कि फिर मैंने ये कंप्यूटर का किया है, और फिर मैंने ये बिलावल हाउस में फिर शामिल हो गई हूँ, RCC में मैं काम कर रही हूँ रिसर्च कोऑर्डिनेशन कमेटी में। अच्छा, तो अब आप पॉलिटिकली भी एक्टिव हो गई हैं जी। ये इन द लास्ट 8 years 8 साल पहले। ठीक है, अच्छा आप कॉलमनिस्ट भी हैं और आपके ट्वीट्स वगैरह भी काफ़ी पब्लिकली जो है फेमस होते हैं जी तो उन पे थोड़ा बताएं हमें। जब से ये ट्वीट का सिस्टम निकला शुरू में मैंने काफ़ी क्योंकि जब ये पैलेस्टाइन में प्रॉब्लम्स हो रही थी बहुत यू नो एकदम ज़्यादा हमले हो रहे थे और पीस प्रोसेस नहीं पूरी हो रही थी और बहुत लोग मर रहे थे, तो उस पर फिर मैंने काफ़ी रिलीजियस उसकी रेफरेंसेस दे के तो मैंने कमेंट्स दिए थे ट्वीट दिए थे इसराइल को इसराइली पॉलिटिशियंस को उनके साथ गुफ्तगू मैंने की, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया थोड़ी देर के बाद। बट जब ये कोरोना वायरस हो उससे पहले मैं शुरू ये पॉलिटिक्स में तो आ गई थी पीपल्स पार्टी में, और उसके साथ ही मैं हमेशा आर्टिकल्स लिखती रही हूँ कि क्या क्या बीबी ने किया है, भुट्टो साहब ने क्या क्या काम किया है, हमारी पार्टी क्या कर रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, हमारे पॉलिटिशियंस जो इधर आ रहे हैं लंदन में जो पाकिस्तान में उनकी क्या कमिटमेंट्स है क्या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, हर चीज़ के ऊपर मैं उसके ऊपर मैं अपना कमेंट्स और आर्टिकल्स लिखती रही हूँ ताकि उनको फिर दोबारा रिवाइव करूँ। और उसके बाद फिर जब ये डोनाल्ड ट्रंप जब था जी, मुझे बहुत उस टाइम पे तो हर इंसान जो था खुश नहीं था इस लीडर से जो कुछ वो कर रहा था, मुसलमानों को नहीं आने देना अमेरिका में जी। तो उसके लिए मैंने स्टैंड लिया, फिर उसके साथ गुफ्तगू की है, उसको मैंने कहा कि आप कभी हमको दिखाएं ऐसा कोई शख्स जो है आपके मुल्क में जैसे हमारे लीडर्स हैं, अभी तक आपके मुल्क में ऐसा कोई लीडर नहीं आया। खैर हम इन बातों पे आएंगे लेकिन छोटे से ब्रेक पे जाएंगे नाजरीन, अंडर ब्रेक जो टाइम थी वह शख्सियत में कारण हम जो शख्सियत में ऐसा कर लो। वेलकम बैक नाजरीन शख्सियत प्रोग्राम में वहाँ सभी के वरी भली कार चूँ था मैम सुम्बुल हसन सा गड है उन हाँ इन गुफ्तगु जो मजीद सिलसिलो इन खूबसूरत गुफ्तगु जो सिलसिलो जारी रखा सी। मैम आपके इंट्रस्ट क्या हैं?
क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी ड्राई प्रोफेशन, तो उसके हिसाब से आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है? आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव नॉलेज, आई लव टू, आई डोंट नो वेदर इट्स माय स्टार साइन, वेदर व्हेन आई वाज बोर्न, मगर मैं बहुत कैसे कहूँ, मेरी मदर की वजह से, असल में मेरी मदर पोएट थी और राइटर थी, और आई थिंक आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय माय मदर एज वेल, एंड शी ऑलवेज वाज वेरी इंट्रीग्ड एंड ऑलवेज इंकरेज मी टू स्टडी, एंड आई डिडंट लाइक स्टडीइंग व्हेन आई वाज यंग, आई डिडंट लाइक इट एट ऑल, आई वाज लाइक, बिकॉज आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट्स गोइंग ऑन इन लंदन, यू नो लंदन में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन है, ये सफ़ेद कौन है, ये हर चीज़ अजीब लग रही थी. तो फिर मेरी मदर कह रही थी कि देखो अब आपने स्टडी करनी है, स्टडी करें और यू नो कुछ बने, कुछ करें. तो अपना माइंड कैसे डाइवर्ट किया उन चीज़ों से, लंदन की जो लाइफ थी, और वहाँ से डाइवर्ट किया आपने स्टडीज़ की तरफ, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? आई डोंट नो वेदर आई शुड टॉक अबाउट इट, मगर व्हेन आई वाज वेरी यंग आई डिडंट इवन वांट टू राइट, बिल्कुल मैं लिखी, और मेरी टीचर ने फिर कंप्लेन किया मेरे फादर को कि ये देखें इसकी किताबें कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है. I'm so much amazed that you write so, I mean, I have no words. And yes, वो शौक नहीं था, नहीं, और फिर वो कर sure. रही हैं आप. अच्छा, सिंध में हमारी काफ़ी ऐसी ख्वातीन हैं जो निकल नहीं सकती, और वो आपको देख के कितना इंस्पायर होंगी, जो आप माशाल्लाह यू आर द ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए जो निकल नहीं सकती और जो घरों में महदूद हैं, जिनकी एक लिमिटेड लाइफ है जी, इवन यहाँ पे अर्बन एरियाज में भी जी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अब देखिए मेरी भी ऐसी लाइफ थी, जब मैं इंग्लैंड में थी, मेरे फादर और मेरे मदर जो थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, कोई आसानी से तो नहीं मैं जा सकती थी किसी के घर पे या शॉप पे या मिलूं या पार्टीज़ में जाऊं, बस ऐसे काफ़ी प्रोटेक्टिव थे, यू नो, एंड आई अंडरस्टैंड दैट प्रोटेक्शन बहुत लाजमी है अपनी औरतों की जी, यू नो, और सेइंग दैट, मगर जो अच्छाई है, जो एडवांटेज है, जो उनको, क्योंकि औरत को ऐसे नहीं समझना चाहिए, या आपके बच्चे लड़के या लड़की हैं, उनको अगर आप कैद करके रखेंगे तो दे डोंट, यू कैनॉट फाइंड देयर पोटेंशियल, और दे वोंट रिकग्नाइज, खुद नहीं समझेंगे कि हमारा पोटेंशियल क्या है, अगर वो सुनेंगे और देखेंगे. और जो लाइफ होती है बास टाइम, ये हम प्रोग्राम हो जाते हैं, हमको प्रोग्राम और कंडीशन कर किया जाता है कि नहीं, यू नो, ये लाइफ है, इस किस्म का सिस्टम जो है इस पे हमने अबाइड करना है. तो माँ बाप जो हैं और जो आपकी कम्युनिटी जो है, उसको जब तक आप थोड़ा सा उनको यू नो अच्छे रास्ते पे और सही रोशनी दें, उनको समझाएं कि यू नो ये बेहतर है उनके लिए, फिर भी आप कंट्रोल रख सकते हैं, क्यों नहीं. आजकल के ज़माने में देखो हर चीज़ है, मोबाइल है, यू नो इंटरनेट है, और बस मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट थी अपनी बच्चियों के ऊपर, वो होना भी कुछ पड़ता है जी औलाद के साथ जी, स्पेशली बच्चियों के साथ कभी कभार, और पर्दा रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यू नो, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि ये रूबीज जो हैं, एमरल्स जो हैं, डायमंड्स जो हैं, पर्ल्स जो हैं, वो किधर हैं, किधर नज़र आते हैं, कितने नीचे नीचे जाके माइंड करके आपको, कितने लेयर्स पे. तो ऐसे औरत को भी, हमारे बच्चों को हम प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो रूबीज़ और डायमंड्स और ये चीज़ें नहीं हैं, वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कीमती हैं, ठीक है ना. तो इसलिए फिक्र करना और लुक आफ्टर करना, मगर एक्सट्रीम पे नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी जगहों पे, सॉरी टू से, हैव टू से दिस, बट दिस इज़ वेरी, सम पीपल आर वेरी वॉयलेंट, कभी कभी इन चीज़ों से फिर देख के अजीब सा लगता है. अब सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव है वहाँ पे कि ये चीज़ें देख के फिर बहुत अजीब सा लगता है.
वायलेंस और अब्यूज. अच्छा, इस चीज़ पे आपने कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई सोशली, वायलेंस पे और ये जो सिंध में जो चीज़ें चल रही हैं? आप यकीन करें कि ट्विटर में आप मुझे फॉलो करें जी, और मैंने इवन जो प्रिजन्स में जब अरेस्ट किया गया, जब इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इतने किए थे लॉकडाउन में, और लोग हम सायों से भी नहीं मिल सकते थे, वो भी एक तरीका से वो लोगों को लोग हंस रहे थे ये तो हम बिल्कुल ही मुसलमान ही बन गए हैं क्योंकि हमारे ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं. फिर हमने मास्क भी पहना है जैसे हमने बुरका पहना हुआ है जी. तो लोग ये सारी जो ये प्रॉब्लम्स थी अब्यूज़ उस टाइम पे जितना हो सकता था क्योंकि लोग कहीं जा नहीं सकते थे, घरों के अंदर कितना अब्यूज़ हो रहा होगा, वायलेंस कितना हो रहा होगा, सुसाइड कितना रेट होगा. अगर लंदन में होगा, ब्रिटेन में होगा, तो यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे तो और भी होगा जी. और भी प्रॉब्लम्स होंगी. तो इन चीज़ों पे मैंने बहुत रोशनी डाली है, मैंने बहुत उनको सेक्शन, लॉ का सेक्शन दे दे के कि ये आपके हक हैं, ये आपके राइट्स हैं, इस चीज़ों के ऊपर, इस सेक्शन पे आप पढ़ें, इस कानून के ऊपर इसको यूज़ करें. ह्यूमन राइट्स का जो लॉ है, ये हमारा मैग्ना कार्टा जो है उस पे, हमारा कॉमन लॉ जो है उस पे आप देखें, ये आपको राइट्स देते हैं. ये जो हैं हमारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, ये हमारे सर्वेंट्स हैं, बिल्कुल हम उनके मास्टर्स हैं, हम टैक्सेस देते हैं, हमारे पैसा उनके ऊपर जाता है, वो हमारे पैसे से उनकी खर्चा होता है. तो ऐसे मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी और अपने लोगों को भी मैंने बताया कि देखो ये अगर कुछ हो रहा है. उस वक्त सोलिसिटर्स और बैरिस्टर्स भी, उनको भी उनको लॉक कर दिया था मुँह को कि आप कुछ नहीं कह सकते. आहिस्ता 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 जब एक शख्स खड़ा होता है, फेयरलेस होता है, डरता नहीं है, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ. अगर मैंने आज जाना, कल जाना, जब भी जाना है, जाना तो है. और अगर है, अच्छा काम करके इंसान चला जाए तो फिर क्या होगा, यू नो, ये जिंदगी चंद दिनों की होती है. तो उसके लिए हम किस लिए हैं, एक दूसरे के लिए हैं. अपनी ये प्रॉब्लम्स जो हैं 10 गुना हो गई हैं, तो ये बहुत लाजमी है, यू नो, कि यू हैव टू हेल्प वेयर एवर यू कैन. क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी कहते हैं कि हेल्प योर नेबर एज यू हेल्प योर सेल्फ, यू नो, और इस्लाम में भी है कि आपका नेबर अगर भूखा हो तो आप खा नहीं सकते हैं, आपने उनकी हेल्प करनी है. बड़ी खूबसूरत बातें की आपने, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें. दिल नहीं चाह रहा कि प्रोग्राम ख़त्म करें, लेकिन इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे बाद में. लेकिन अभी प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है और आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद आहे तो नाज़रीन के भी काफ़ी कुछ सीखने लाइ मिलो हों. एतरी खूबसूरत पर्सनैलिटी जैसे ऐसा वेहंदी आए तो उन्हें जो गालियाँ बुधी करें अस एतरो कुछ पिराइंदा आयो मेरी कोशिश कंदा आयो तो पंजी जिंदगी ते उन शयन के जरूर अमल कयूं, इम्पैक्ट विझूं असा पंजी जिंदगी ते भी. सो शख्सियत प्रोग्राम जो नाज़रीन हाणे वक्त बिल्कुल खत्म थी वियो आहे, हिन प्रोग्राम के ते वाइंड अप कंदासीं ऐं वरी शख्सियत प्रोग्राम में कंहिं वरी बी सुठी पर्सनैलिटी सां तव्हां सां गॾु हूंदासीं. तेसि ताईं सबा अली खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.